पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने घर। अब बालूशाही तो मुझसे ना बन सरी। अब रही बात जो आपकी दादी ने मुझे कहा कि इतने कम समय में बालूशाही बना कर दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। मुझसे तो इतने कम समय में पानी ना उबले, इसलिए जा रहा हूँ। तो फिर आए क्यों थे? प्यार खींच लाया मुझे और अब मेरी डाल नहीं गल रही है, इसलिए जा रहा हूँ। पर आऊंगा जरूर। अगर समय पर बालूशाही नहीं बनी तो दादी तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे घर आकर तुम्हारा तो कचूमर बनाएगी और मेरा भी। वो तो है, मैं ऐसे तुम्हें मुश्किल में छोड़कर तो नहीं जा सकता, पर ये बालूशाही इतने कम समय में इतनी जल्दी बन जाएगी। सोचो शो तो हो भी शो। मारी ध्रुव की पत्नी के लिए चाहिए, थोड़ा भारी दिखाइए ना। ज्यादा भार भी ना हो, वो क्या है ना, गर्दन में मोच आ सकती है। मेरे कहने का मतलब है माँ जी कि जिस घर से वो आ रही है उसके गर्दन को ऐसे भारी भरकम आभूषणों की आदत नहीं होगी ना। आदत तो तुम्हें भी नहीं थी ना। पर अब तो इतनी आदत हो गई है कि लत ही बन गई है। मैं अभी आई। वो वाला दिखाई। कैसी हैं आप? मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो आपको रोज रोज अपमान का जहर का घूर जो पीना पड़ता है ना, बड़ा बुरा लगता है मुझे भी। अब हमारे ऋषि भैया देख नहीं सकते थे तो आपको उनकी आंखें बना के इस घर में ब्याह के लाया गया। तो ना खुद बताओ, आप जैसी सुंदर खूबसूरत कन्या करती ऐसे इंसान से शादी? ना, बिल्कुल नहीं करती। लेकिन आपने की, और ये घर वालों को देखिए, ऐसे दिखाते हैं जैसे आपने इन पे उपकार नहीं किया, इन्होंने आप पे उपकार किया हो। गलत बात। अब बेला आपकी बहन थी, मिलजुल के रह सकती थी ना, पर नहीं, नकार दिया उसे। वैसे ही आपको घर में कोई पूछता नहीं है और अब तो मुझे और डर लगने लगा है कि ध्रुव की पत्नी आने के बाद कहीं ये ना हो कि आपकी हालत वैसा हो जाए। वो क्या कहती है, होता है ना उपायदान, पैर रख के साफ करके। देवर जी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में मेरी वो जगह कभी नहीं होगी जो आपकी व्यवसाय में है, पायदान जैसी। कितनी मेहनत करते हैं ना, कितना काम करते हैं, लेकिन आपको कोई पूछता नहीं है। समय से बस तनख्वाह मिल जाती है, मुनाफे में हिस्सा मिल जाता है, बस। वैसे तो ये कहने वाली बात है कि आप छोटे मालिक के बेटे हैं, मगर हालत तो आपकी बाकी कर्मचारियों जैसी है। सही कहा ना ध्रुव, जब कलकत्ता से वापस आया आपका चेहरा उतर गया। देखा मैंने, उसकी शादी तय हो रही है तो आपको चिड़ मच रही है, ये भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब जब बाबूजी जयपुर वाली फैक्ट्री ध्रुव के नाम करने वाले हैं, उसे देने वाले हैं, तो आप चलने की कोई महक आ रही है क्या? कहाँ हो सितारा, यहां आकर देखो, तुम्हारा ध्रुव तुम्हारे लिए हलवाई तक बन गया।
हमारे लिए हलवाई बन के आए हमसे मिलने। झरने नदी खुशबू हवा गाते हैं क्या, तेरे मेरे मिलने की है ये दास्तां, हर सांस में जिंदा है बनके दुआ, तेरे मेरे मिलने की है ये दास्तां। वाह, ये तो मुंह में रखते ही खुल गई। बड़ा ही तो बड़े प्यार से है तुम्हें, तो पहले अनाड़ियों की तरह हरकत क्यों कर रहा था? क्या है ना दादी, प्रतिभा बहुत है पर घमंड नहीं किया कब। ये मेरी चिट्ठी है तो उन्हें दे देगी। हो गई गड़बड़, दादी ने अगर चंद्रा का पत्र पढ़ लिया बहुत बहुत, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। माफ कीजिएगा, ये हमारी चिट्ठी है, बहुत मतलब गांव से है। रख कलेजे से लगा के अपने, मुझे क्या चल यश, तुमने तो लाओ लाओ। एक सेकंड, अब लो। देखा था मैंने तुम्हारे हाथों से गिरते हुए, उसके बाद ये बालूशाही का बवाल हो गया तो तुम ये चिट्ठी छोड़कर मेरी मदद करने लग गए। तो थोड़ा सा मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं जो मेरी मदद कर रहा है उसकी भी मदद करूं। बहुत बड़ी मदद कर दी तुमने। ऐसा क्या है इस चिट्ठी में, बहुत परेशान हो तुम, क्या राज छिपा इसमें? राज नहीं है, ये तो प्रेम पत्र है, दुल्हन ने दूल्हे के लिए लिखा है, इसे दूल्हे तक पहुंचाना है। लव लेटर मेरे लिए, मेरी सितारा ने भेजा है। ठीक है फिर आप मुझे दे दीजिए, मैं हवेली जा रहा हूं तो मैं हवेली में दूल्हे को ये जो लेटर दे दूं। आपको दे दूं? क्या हुआ? पर भरोसा कर रही हूँ आप पर, खो मत देना, बस ध्यान रखना। हम सितारा से मुलाकात तो नहीं हो पाई आज, पर उसका प्रेम पत्र मेरे हाथों में है।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।